उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को जौनसार बावर के सिद्ध पीठ श्री महासु देवता मंदिर हनोल में जागड़ा मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजकों, मंदिर समिति समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। बता दें कि मेले का आयोजन बीते 30 और 31 अगस्त को किया गया था। सतपाल महाराज ने जौनसार बावर में संगीत की लोकप्रियता को देखते हुए वहां एक संगीत केंद्र खोलने का ऐलान किया है। इसके लिए स्थानीय लोगों को जल्दी ही भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जौनसार बावर मेले और महासु देवता के मंदिर पर एक फिल्म बनाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। गढ़ी कैंट स्थित IHM संस्थान के सभागार में आयोजित हुए सम्मान समारोह में बोलते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि जागड़ा मेले में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर समिति, जिला प्रशासन, पुलिस समेत स्वयं सेवकों ने बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हनोल स्थित महासु मंदिर में हुए जागड़ा देवन्याणी हरियाली महोत्सव को सफल आयोजन के लिए मैं मंदिर समिति हनोल, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। राजकीय मेला घोषित होने पर जागड़ा महोत्सव के आयोजन को भव्य बनाने में निरंतर योगदान देने और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज आपको उत्तराखंड सेवा सम्मान से सम्मानित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आस्था चैनल को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसका प्रसारण करने के बाद 5 करोड़ लोगों ने इसको देखा और 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने गूगल पर इसको ट्रोल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक 170 देशों के अंदर ये ब्रॉडकास्ट किया गया और मैं अंत में प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मन की बात में माशु महाराज के जागड़े का जिक्र किया, उसी से हमें प्रेरणा मिली। कार्यक्रम में देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुमार, मंदिर समिति के अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MI News।